सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको मोदक बनाना सिखाया था और काफी लोगों ने वीडियो देखा भी, लेकिन बहुत कम लोगों ने लाइक किया। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस किया कीजिए और चाहे तो उस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए, सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रेसिपी पहुंचे और वो अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें बनाए, अपने घर वालों को खिलाए। सो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली ये मैंने कहाँ से बनाना सीखा, मैं पहले आपको वो बताती हूँ। मेरे दादाजी बनाया करते थे, उन्होंने मेरे पापा को सिखाया और पापा से मैंने बनाना सीखा कि ये कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मैं बोलूंगी कि इंग्लिश डेजर्ट है, बहुत सिंपल है और बहुत ही क्विकली तैयार हो जाता है। अगर हमारे पास डेजर्ट के लिए कुछ नहीं है तो हम बहुत जल्दी ही इसको बना लेंगे। आई थिंक कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। मैं रेसिपी आज बनाने वाली हूँ कैरेमल कस्टर्ड। सो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको अगर हम डिवाइड करें, कैरेमल और कस्टर्ड ये दो चीजें हैं और दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही यमी सा डेजर्ट तैयार हो जाता है। सो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर, मिल्क, दो पीस मैंने ब्राउन ब्रेड के लिए हैं, आप व्हाइट भी ले सकते हैं, और शुगर। शुगर के साथ मैंने ये टिन भी तैयार करके रख लिया है जिसमें हमें इसको सेट करके स्टीम करना है। ये बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे हम बहुत ही यमी टेस्टी डेजर्ट बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कैरेमल कस्टर्ड के दो पार्ट हैं, वन इज कैरेमल एंड सेकेंड इज कस्टर्ड। तो सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, मैंने एक पैन ले लिया है, अभी इसको हल्का गर्म करूंगी मैं, 2 मिनट के लिए हाई पे रख के, 2 मिनट के लिए इसको मैं हाई पे रख के और फिर सिम कर दूंगी, सो दैट मेरे पैन गरम हो जाए और कैरेमल अच्छे से तैयार हो जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शुगर ले ली है और इसको मैं कैरेमलाइज करूंगी। कैरेमलाइज करने का मतलब होता है शुगर को मेल्ट करना है ब्राउन होने तक, सो दैट हमारा कैरेमल, मतलब कि हमारा बेस तैयार हो जाए। अभी मैं इसको मीडियम कर दूंगी, सिम तो नहीं, मीडियम रखूंगी, सो दैट हमारी शुगर जले नहीं लेकिन कैरेमल बहुत ही अच्छा तैयार हो। और इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं, अदरवाइज ये चिपक जाएगा और हार्ड हो जाएगा या फिर जल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी शुगर अभी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, अभी धीरे धीरे ये बहुत ही प्यारा सा कलर लेना शुरू करेगी, उसके बाद हम इसे तुरंत सेट करने के लिए रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा सा मखमली कलर में बोल सकती हूँ उसको, कि बहुत ही प्यारा सा ये कैरेमल तैयार हो गया है। और हमें अपनी जो गैस है सिम पे ही रखनी है, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसको बंद कर दूंगी और कंटिन्यूस चलाना है कम से कम 2 मिनट तक, ताकि ये पैन में चिपके नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं जो अपना टिन तैयार करके रखा था उसमें कैरेमल पोर कर दिया है और इसको तुरंत आपको सेट भी करना है। सेट मतलब चारों तरफ इसको फैलाना है, क्योंकि हमारा कस्टर्ड जो है वो चारों तरफ जाएगा, तो उसके नीचे हमारा कैरेमल होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने केक टिन में सेट कर दिया है, अब मैं इसको एक साइड रख दूंगी ढक के। बहुत गर्म है ये टिन भी, बहुत केयरफुली काम कीजिएगा। इसको मैंने एक साइड रख दिया है, अब हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा लेयर, मतलब कि कस्टर्ड का। वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम लोग बहुत बार घर में भी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें प्रोसेस करना है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने सबसे पहले तो ले लिया है मिल्क, ठंडा मिल्क है, इसमें मैं अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड करके एक मिक्सचर तैयार करके रखूंगी और बाद में जाके ये ऐड होता है हमारे बॉइल्ड मिल्क में। तो ये हमारा जो कस्टर्ड है ये ठंडे मिल्क में हम इसका मिक्सचर बनाएंगे, गर्म में नहीं। तुरंत अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करना है ताकि ये सेटल डाउन ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब मैंने ये जो दो ब्रेड ले रखी थी इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी, सो दैट ये बिल्कुल बारीक हो जाए और ये हमारे कस्टर्ड को थिकनेस देगा। सो ये पिस के बिल्कुल महीन बारीक हो चुका है, अब ये हमारे कस्टर्ड को बहुत प्यारी थिकनेस देने वाला है। अब फ्रेंड, मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया है करीब 1/2 लीटर,
इसका मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। सो फ्रेंड्स, अभी इस मिल्क को बॉईल होने का हमें वेट करना है, उसके बाद हम अपना कस्टर्ड, ब्रेड और शुगर, शुगर हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज्यादा शुगर, कम करते हैं तो कम, बिकॉज हमने बेस में कैरेमल डाला हुआ है जो ऑलरेडी काफी मीठा होगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मिल्क वार्म हो चुका है, हल्का गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड करूंगी जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था मिल्क में, वो ऐड करूंगी। अब देखो, फ्रेंड्स, हमें कस्टर्ड को कंटिन्यूस चलाना है, नहीं तो ये नीचे जलने का डर होगा, लगने का डर होगा, इसलिए इसको कंटिन्यूस चलाना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे जले ना और टेस्ट इसका खराब ना हो। अब इसमें मिक्स करते ही मैं शुगर भी ऐड करूंगी फ्रेंड, क्योंकि शुगर हमें इसको हल्का मीठापन भी हमें देना है ताकि बहुत फीका हमारा कस्टर्ड ना रह जाए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था, स्वीट कितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऐड करेंगे। बेस में भी ऑलरेडी हम कैरेमल ले चुके हैं, तो स्वीट कितना खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब फ्रेंड, हमारी शुगर इसमें अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब यहाँ पे इस स्टेज में मैं ऐड करूंगी जो ब्रेड के क्रम हमने तैयार किए थे वो। फ्रेंड्स, इसको हमें सिम पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूस चलाते हुए पकाना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कस्टर्ड हो गया है रेडी। अब हम इसको पोर करेंगे हमारे कैरेमल के ऊपर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड, और बहुत यम लगने वाला है ये, आई एम श्योर। लेकिन अभी एक थर्ड स्टेप बाकी है जो हमें करना है। अब हम इसको फॉइल से कवर कर देंगे फ्रेंड्स अच्छी तरह से, क्योंकि हमें स्टीम के लिए रखना है इसको, तो अच्छी तरह से इसको कवर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हाफ एन आवर हो चुका है, मैं अब गैस ऑफ कर दूंगी, लिड हटा दूंगी, और हमें इसको अब रूम टेम्परेचर पे रखना है करीब 10 मिनट, और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं फ्रेंड्स, फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। सो अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में पूरे 2 घंटे के लिए, और उसके बाद हमारा यम्मी टेस्टी कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं, फ्रिज से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, अब हम इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा कस्टर्ड कैसा बना है। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना यमी और कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में, और बहुत ही ऑसम इसका लुक आया है, कलर आया है, और फ्रेंड्स यम, बहुत टेस्टी बना है, आपको भी ट्राई पक्का करना चाहिए। आप ट्राई करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। हैव अ नाइस डे।